इसका बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड के, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड के, उन्होंने बिजनेस में अपनी ग्रोथ करने के बाद लास्ट में क्या बिजनेस स्टार्ट किया, जब वो काफ़ी रिच और एफ्लुएंट हो गए तो उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, रियल एस्टेट। नमस्कार दोस्तों, अनदर वी पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अक्सर मुझसे ये लोग पूछा करते हैं कि पांडे जी, आप पहले एयरफोर्स में रहे, उसके बाद आपने कोई और कैरियर चुना और लास्ट में फिर आप रियल इस्टेट में जॉब की आपने, और फिर उसके बाद आप एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट बने, तो इस जर्नी के पीछे राज क्या है एंड व्हाई समबडी शुड चूज़ कैरियर इन रियल इस्टेट। तो दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैरियर इन रियल इस्टेट, कैरियर इन रियल इस्टेट इन इंडिया। ये एक सीक्वेंस ऑफ वीडियोस बनेंगे जिसमें हम बेसिक से लेकर के बाकी चीज़ों को एजुकेट भी करेंगे कि अगर कोई कैरियर चूज करता है, सबसे पहले वीडियो में हम ये बताएंगे आज के फर्स्ट वीडियो में कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि अगर आप रियल इस्टेट को एज ए कैरियर चूज करते हैं तो आपकी लाइफ में कहाँ तक आप जा सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड के, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड के, उन्होंने बिजनेस में अपनी ग्रोथ करने के बाद लास्ट में क्या बिजनेस स्टार्ट किया, जब वो काफ़ी रिच और एफ्लुएंट हो गए तो उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, रियल इस्टेट। तो कैरियर इन रियल इस्टेट, जो लोग इस कैरियर को स्टार्टिंग से चुन लेते हैं वो लोग बहुत लकी होते हैं कि अगर वो इथिकली मॉरली काम करते चले जाएं और अपने सिस्टम को ठीक बना के चलें तो रियल इस्टेट से बेटर कोई प्रोफेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, टाटा होम्स, ये सारे मैं वो नाम ले रहा हूँ जो हिंदुस्तान में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित नाम है, जिन्होंने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपने बिजनेसेस फैलाए और बीच में उन्होंने रियल इस्टेट का भी अपना एक वेंचर लॉन्च किया जो कि आज की डेट में इन सब ग्रुप्स को एक नाम देता है। तो दोस्तों, कैरियर इन रियल इस्टेट में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज रियल इस्टेट। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द लैंड, जैसे कि रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, कॉमर्शियल रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसमें कि आपके होटल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ये भी रियल इस्टेट का ही एक सेगमेंट है। देन इसके अलावा इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट जिसमें कि आप देखते हैं इंडस्ट्रीज़ फॉर्म होती हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर होती है, वहाँ पे ज़मीनें काफ़ी रेटों में काफ़ी इजाफा आता है तो इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट है। इसी तरह से वेयर हाउसिंग इज़ ए पार्ट ऑफ द रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो ब्रीफ में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत प्राउड फील होना चाहिए, बहुत ही सम्मानित फील होना चाहिए कि रियल इस्टेट में आप कुछ मतलब इट इज़ नॉट लाइक यू नो सेलिंग, कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, छोटा सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ रही है। नो, ये बहुत ही नीड बेस्ड कम्युनिकेशन है। आप देखो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो उसकी नीड है, उसके पास पैसा है, उस पैसे की ग्रोथ को थोड़ा मल्टीप्लाई करना चाहता है, और रियल इस्टेट सेक्टर इज़ वन ऑफ द सेक्टर जो हम अगले सीक्वेंस ऑफ वीडियोज़ में बताएंगे कि रियल इस्टेट का जो ग्रोथ है, जो ग्राफ है ग्रोथ का, वो बाकी सेगमेंट से काफ़ी बेटर, काफ़ी हाई रहा है, इवन स्टॉक मार्केट से भी बेटर रहा है रियल इस्टेट की ग्रोथ। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशंस, कैसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, किन शहरों में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बताएंगे कि रियल इस्टेट के 5 सेगमेंट हैं। वन इज़ रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, ये 2 भागों में बट जाता है, रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। दूसरा सेगमेंट, हमने रेजिडेंशियल सबसे पहले बोला क्योंकि रियल इस्टेट की जो सेंस है वो शुरुआत रेजिडेंशियल से ही होती है, जहाँ घर होंगे वहीं दुकानें होंगी, जहाँ घर होंगे उसी एरिया में दुकानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कॉमर्शियल रियल इस्टेट। इसके बाद एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। आप सुनते हैं जैसे MK टेक्नोलॉजी पार्क मोहाली के पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क काटा गया, तो MK टेक्नोलॉजी ये एक इंडस्ट्रियल है, गिलको इंडस्ट्रियल पार्क, देन लवली इंडस्ट्रियल पार्क, सनी एंड लवली इंडस्ट्रियल पार्क, इस तरह से काफ़ी इंडस्ट्रियल, मोहाली फेज़ 8
फेज़ 7 इंडस्ट्रियल, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की गई, पर है तो वो रियल इस्टेट ही ना। देन एक सेगमेंट आता है जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी माने होटल्स, JW मैरियट, ताज होटल, देन हयात होटल, ये सब बड़े बड़े होटल्स हैं जो कि रियल इस्टेट ही हैं। बस ये होटल बनते हैं, फिर इनकी ROI निकलती है, इनका टर्नओवर निकलता है, और उस टर्नओवर के हिसाब पे कई बार ये होटल्स एज सच सेल पे आते हैं, जिसको बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस खरीदते हैं। इसमें एक सेगमेंट और है जहाँ से रियल इस्टेट की उपज होती है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। आजकल कुछ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर्स की इंडस्ट्रीज आई हैं जिसमें कि स्पेशल फार्मिंग की जाती हैं, उसके लिए भी लोग लैंड परचेज करते हैं, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द रियल इस्टेट। जैसा कि आप जानते हैं, रियल इस्टेट में जब आप कैरियर चूज़ करेंगे तो आपके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं टू स्टार्ट योर कैरियर। तो मैं एक एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ। फर्स्ट इज बिल्डर ऑब्लिक डेवलपर। दोनों में फ़र्क होता है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। जनरली आप समझ लीजिए, बिल्डर और डेवलपर ये किसी एरिया को डेवलप करते हैं या किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो अगर पैसे से आप संपन्न हैं, धन से आप संपन्न हैं, आपके कई बिजनेस चल रहे हैं, तब आप इस कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड कैरियर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स आप वेरियस ऑफिसेज में जब विजिट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के ऑफिसेज में, तो आप वहाँ देखते हैं GM साहब हैं, AGM साहब हैं, मैडम हैं जो सेल्स देखती हैं, टेली कॉलिंग की जॉब करते हैं कुछ लोग, जो कोल्ड कॉलिंग करते हैं या कभी रेफरल कॉलिंग करते हैं, तो ये सारा स्टाफ का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर देर आर इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देर आर आर्किटेक्ट्स जो ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, सारे प्रोफेशनल्स, ये कैरियर भी रियल इस्टेट सेक्टर में ये कंज्यूम होते हैं। तो इस इन सब फील्डों के नॉलेज रखने वाले लोग रियल इस्टेट सेक्टर में, उनको जॉब मिल जाती है। थर्ड आता है लाइजनिंग। लाइजनिंग, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लाइजनिंग और लीजिंग में, सो इस पॉइंट को यहीं हम क्लियर कर देना चाहेंगे ताकि भविष्य में आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। लाइजनिंग होता है सरकारी डिपार्टमेंटों से लाइजनिंग करना। अब जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको रेरा की अप्रूवल लेनी है, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना है, आपको बिल्डर प्रमोटर लाइसेंस लेना है, आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना है, आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लियरेंस लेना है। ये दुनिया भर के जो क्लियरेंसेस होते हैं, इन काम को लाइजनिंग के एक्सपर्ट्स ये काम आपके लिए करा के देते हैं। तो रियल इस्टेट सेक्टर का एक और जो कैरियर है वो है लाइजनिंग। फोर्थ आ गया सेल परचेज। सबसे खास रोल इस पूरे सेगमेंट में इस सेक्टर का है। सेल परचेज माने प्रॉपर्टी डीलर्स और वो लोग जो सेल परचेज को एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि अगर सेल नहीं होगी तो बिल्डर क्या करेगा? डेवलप कर दिया हमने कोई एरिया, सेल नहीं हो रहा है तो डेवलपर क्या करेगा? सब कुछ जयराम जी की हो जाएगा। तो इसके लिए सेल परचेज वालों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप सब जो रियल इस्टेट को अपने कैरियर के तौर पर लेना चाहते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम सेगमेंट है वो सेल परचेज में है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। इनको कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर्स, कुछ लोग इनको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बोलते हैं, कुछ इन्हीं को चैनल पार्टनर्स बोलते हैं। ये सब एक ही कैटेगरी है, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी लिंकर, ये सब अलग अलग नाम है, काम एक ही है। इसके अलावा एक और सेगमेंट है जो बहुत मेजर लेवल पे इसमें एक कैरियर है, दैट इज लैंड एक्विजिशन। अब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना है 500 एकड़ का, तो 500 एकड़ का लैंड इकट्ठा करने के लिए आपको कम से कम 100-150 लोगों से ज़मीनें खरीदनी है। तो इसके लिए एक्सपर्ट लोग हैं जो कंपनीज अपॉइंट कर देती हैं, कंसल्टेंट हैं, वो भी प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, वो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बट वो लैंड एक्विजिशन के कंसल्टेंट हैं। वो काम ही ये करते हैं, वो एक साल में एक प्रोजेक्ट की ज़मीन इकट्ठा करते हैं। वो ज़मीन मान लीजिए 150 एकड़ है,
3 करोड़ का एकड़ है तो 4.5 करोड़ की डील, 450 करोड़ की डील में इन्वॉल्व है। तो ये बड़ी ही पेशेंस वाला और एक टीम वर्क वाला काम होता है, इसमें सिंगल मैन नहीं होता। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर है रियल एस्टेट सेक्टर का। 6th, लीजिंग एंड टूलेट। देखिए साहब, सेल परचेज, लीजिंग एंड टूलेट, ये तीन काम कर कौन रहा है? ये तीन काम, तीन कैरियर जा रहे हैं इसी तरफ। तो आप जब लीजिंग एंड टूलेट के काम में एक्सपर्टाइज होता है, टूलेट में दो तरह के कम्युनिकेशंस होती हैं, रेजिडेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल। रेजिडेंशियल जो होता है वो सिंपल घर किसी को दिलाना है, किसी को कोठी दिलानी है, किसी को इस फार्म हाउस दिलाना है, तो दैट इज़ रेंट पे लोग लेते हैं शूटिंग करने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में बनाया है फार्म हाउस चंडीगढ़ के पास, जो कि बहुत सुंदर बना है, तो वो रेजिडेंशियल फार्म हाउस है, उसमें लोग रेंट पे भी आते हैं। और इत्तेफाक से वही फार्म हाउस अब हमारे पास सेल पे भी आ गया। आप लोग चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, दैट इज़ प्रिटी गुड फार्म हाउस। और उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की लीजिंग होती है, जिसमें हम उनको डिफरेंट कंपनीज़ को वो प्रॉपर्टीज़ प्रपोज करते हैं और उनको बोलते हैं कि साहब आप यहाँ अपना शोरूम खोलिए और आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। लीजिंग कई बार प्राइवेट पार्टीज़ को भी होती, कोई ज़रूरी नहीं कि लीजिंग में हमेशा कॉरपोरेट कंपनीज ही आएँ। हो सकता है मिस्टर शुक्ला जी अपनी एक कपड़े की दुकान अपने बेटे को खुलवाना चाहते हो, पर उनके पास खरीदने की क्षमता ना हो अभी, या प्लानिंग ये है कि अब थोड़े दिन बाद खरीदेंगे, पहले काम करके देखते हैं बिज़नेस चलेगा कि नहीं, तो वो लोग कमर्शियल लीजिंग में लीजिंग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। वो भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, और उनके पास जाके वो अपनी लीज करवाते हैं, उसमें उनको उनका मेहनताना मिलता है जिस हिसाब से होता है। तो बहुत लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि इसके सीक्वेंस बनेंगे, आज हमने इसका पहला चैप्टर कवर किया है, चैप्टर 1। ये वीडियोस बनाने के पीछे उद्देश्य ये है मेरा, पहली चीज़ तो यू शुड फील प्राउड कि इट्स अ वेरी रिप्यूटेड रिस्पेक्टेबल कैरियर। सेकंड, ये कैरियर उनके लिए रिस्पेक्टेबल है जिनको नॉलेज होती है। नॉलेज नहीं होगी, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों के भी नाम रेफ़र किए हैं, आप उन किताबों को परचेज कर सकते हैं और रियल इस्टेट के बेसिस को समझिए। डाउट्स जितने ज़्यादा आप पूछेंगे उतना आपको और बेटर समझ में आएगा। आई विल वेलकम, और इन चैप्टर्स से रिलेटेड हर 5-6 वीडियो के बाद मैं एक अलग से कमेंट सेक्शन के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपके एक एक करके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि रियल एस्टेट को आप संजीदगी से लें, सिर्फ डील करानी नहीं है, पहले इसको समझिए कि ये सेक्टर क्या है, इसमें कौन कौन से लॉज अप्लीकेबल होते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपका करियर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, भूल नहीं जाना, जैसे वो गाना है ना, बचपन का प्यार भूल ना जाना, आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। धन्यवाद।